चलिए, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो पर। इस चैनल पर जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है मैं आपके लेकर आता रहता हूँ। आज आपके लिए तीन अपडेट्स लेकर आया हूँ। पहला अपडेट है इस ट्रैफिक साइन बोर्ड को लेकर, जहाँ पर लिखा गया था डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्रिंकिंग। यहाँ पर ड्रिंकिंग को चेंज करके अब ड्राइविंग कर दिया है। हालाँकि सोशल मीडिया में आपने इसको इस फ़ोटो को बार बार देखा होगा, जहाँ पर लिखा गया था डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्रिंकिंग। ट्रैफिक पुलिस ने अभी इसे ठीक करके ड्रिंकिंग की जगह ड्राइविंग कर दिया। यह था एक छोटा सा अपडेट। सेकंड अपडेट है आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने कहा है कि हुर्रियत के लीडर्स जो कि पहले तैयार नहीं थे कभी भी बातचीत करने के लिए, अब वो बातचीत करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो एक इनकरेजिंग स्टेप है उन हुर्रियत लीडर्स के द्वारा। यहाँ पर कहा गया था कि पहले जब रामविलास पासवान जी ने उनसे बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया था, बट अब जब वो हुर्रियत के लीडर्स बात करने की फिराक में बात करना चाहते हैं तो ये एक इनकरेजिंग साइन है, एक पॉजिटिव साइन की तरह देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के गवर्नर। थर्ड अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ मैं J&K बैंक को रिजल्ट को लेकर। देखिए, यहाँ पर मैं आपको जो बैंकिंग एसोसिएट का रिजल्ट था उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं दूंगा, बट एक आइडिया दूंगा, हिंट दूंगा, जिससे आप चीज़ों को समझ सकते हो। अब जहाँ तक रिजल्ट की बात है, आपको J&K बैंक का पूरा सिस्टम पता है कि अभी J&K बैंक में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि J&K बैंक जो अभी उनके जो भी इंटरनल मैटर्स हैं ज़्यादा ध्यान उनकी तरफ देगा, बजाय इन चीज़ों के जहाँ पर रिजल्ट कैसे देना है, रिजल्ट कौन सी डेट को देना है, वो चीज़ें उनके लिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उनके जो इंटरनल मैटर्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट करना उनके लिए अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो उन चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और अगर इस वक्त वो रिज़ल्ट ला भी देते हैं किसी तरह से, मान के चलो कि रिज़ल्ट उनके पास तैयार है, वो पब्लिश कर देते हैं, तो होगा क्या? हालांकि उनका नाम पहले से भी ख़राब चल रहा है, जिन स्टूडेंट्स का या जिनका भी रिज़ल्ट ख़राब आता है तो मीडिया और वो स्टूडेंट्स मिलकर यहाँ पर इनको ब्लेम करना स्टार्ट कर दें, एक ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाएगी, आप ऐसा कह सकते हो। तो ये भी एक डर है जिसकी वजह से वो रिज़ल्ट को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि PO का रिज़ल्ट जो आ चुका था, मेंस का रिज़ल्ट आएगा, जो भी इंटरव्यू वगैरह होगा, PO मेंस का इंटरव्यू होगा, उसके बाद हम कह सकते हैं कि J&K बैंक जो एसोसिएट का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकता है। क्योंकि PO मेन का जब रिज़ल्ट आ जाएगा, सब कुछ मतलब रिज़ल्ट का मतलब जब इंटरव्यू का रिज़ल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद आप कह सकते हो कि J&K बैंक को सिस्टम समझ आ जाएगा कि हाँ, हमारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है, अब हम J&K बैंकिंग एसोसिएट का रिज़ल्ट भी पब्लिश कर सकते हैं। तो अब आप ऐसा कह सकते हो कि PO के इंटरव्यू के रिज़ल्ट के बाद ही आपका एसोसिएट्स का रिज़ल्ट आएगा। ये कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता रहा, बट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको समझ सकते हो। बाकी ये थे आज के तीन अपडेट्स आपके लिए। अगर आपको अच्छे लगे अपडेट्स तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इसी तरह के अपडेट्स आपके लिए रोज़ आते रहेंगे।